तो गाइस हम आज बात करने वाले हैं कैसे पोकेमोन सिर्फ ऐश के पास है और किसी के पास नहीं है। ये टॉप 10 रैंक होने वाले गाइस, तो वीडियो से जरूर देखना, आप सभी को पता चल जाने वाला है। तो नंबर 10 पे आता है गेंगार। ऐश का गेंगार सबसे रेयर है क्योंकि उसका कलर बहुत ज़्यादा अलग है, ये शाइनी दिखता है पर ये ऑफिशियली शाइनी नहीं है, तभी बहुत ज़्यादा रेयर गेंगार है। नंबर 9 ऐश का लाइकन रॉक। ऐश का लाइकन रॉक बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि ये सन एंड मून मतलब लाइकन रॉक के नाइट के दिन इवॉल्व होता है। नंबर 7 ऐश का ड्रैकोविश। ऐश का ड्रैकोविश ऐश का सबसे पहला फॉसिल पोकेमोन है, ये रेयर है, हो सकता था ये दूसरे को भी दिखाया जा सकता था पर सिर्फ ऐश के पास दिखाया गया है, इसलिए सबसे रेयर ये भी है। नंबर 6 नेगनेडल। नेगनेडल एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है, ये ड्रैगन और पॉइजन टाइप पोकेमोन है और सिर्फ ऐश के पास दिखाया गया और किसी के पास नहीं है। नंबर 5 ऐश का मेलमेटल। ऐश का मेलमेटल मिथिकल पोकेमोन है, वो भी सबसे पहला उसका, इसलिए बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि मेटल टाइप का पोकेमोन है और ये मिथिकल भी है, इसलिए बहुत मिथिकल पोकेमोन बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। नंबर 4 ऐश का नॉकटर। ऐश का नॉकटर बहुत ज़्यादा रेयर क्योंकि उसके पास शाइनी कलर है उसके पास, और किसी भी नॉकटर के पास शाइनी कलर नहीं दिखाया गया एनिमी में, और ये हो सकता था कि दूसरे के पास दिखाया जा सके फिर सिर्फ ऐश के पास दिखाया गया और बाकी सबके पास सिंपली दिखाया गया था, सिर्फ ऐश के पास ही शाइनी था इसलिए भी बहुत ज़्यादा रेयर है। नंबर 3 ऐश का ग्रेंजा। ऐश का ग्रेंजा क्या बात कर रहे हैं, ऐश का ग्रेंजा एक अलग फॉर्म है जो किसी ग्रेंजा के पास नहीं है, वो है बॉन्ड फॉर्म। ये अपने बॉन्ड फॉर्म में आते तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ये ग्रेंजा, ये भी बहुत ज़्यादा रेयर है। नंबर 2 पे आता है सरफेस पोकेमोन। सरफेस पोकेमोन सॉर्ड एंड शील्ड है, यह बहुत ज़्यादा एक योद्धा है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये भी एक रेयर पोकेमोन है जो कि एनिमी में किसी के पास दिखाया नहीं गया, सिर्फ ऐश के पास दिखाया गया है। नंबर 1 पिकाचू। ऐश का पिकाचू सबसे ज़्यादा रेयर है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, छोटू साइज के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है और इसने लियोन को चार्जॉर्ड को हरा दिया और इसने ऐश को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद तो लाइक करो सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।